टाशी दिल्ली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पिकी पिला, जो कि हमारे अरुणाचल के आपातानी ट्राइब के जो डिश होता है पिकी पिला, मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने देखा था काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने पिकी पिला किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में दिखाया था, तो आज मैं भी ट्राई करूँगा। दोस्तों, आप सभी को पता है पिकी पिला काफ़ी स्पाइसी होता है, जैसे कि यहाँ तवांग में जब भी तवांग फेस्टिवल होता है तो सारे लोग काला पुंग इसके बाद में पिकी पिले की बात करते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, लेकिन पिकी पिला काफ़ी स्पाइसी डिश है और काफ़ी टेस्टी होता है, तो मैं उसे बनाऊँगा। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये रहा सूखा मिर्च, ऐसे काफ़ी समय से हमने स्टोर करके रखा हुआ था, सूखा के रखा हुआ था, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सूखा मिर्च और उसको हमने पीस कर लिया है, और इसके साथ में हमने जो ये लिया है पोर्क मिर्च जो चर्बी टाइप ना, जो फैट है पोर्क का, तो उसे यूज़ किया है जी। इसको भी काफ़ी समय से सूखा के रखा हुआ था, और साथ ही साथ हमने इसमें कुछ सूखा चिकन का भी यूज़ किया है। इसका बाद मुझे पोटैटो बहुत पसंद है, तो मैंने पोटैटो का भी यूज़ किया है, आलू का भी यूज़ करेंगे हम। इसके बाद इस साइड देख लेते हैं, ये सोयाबीन, तो हम इसे भी ऐड करेंगे, सोयाबीन को भी, यानी न्यूट्रला को हमने भिगो के रखा है। और ये रहा बॉम्बू टेंगा। दोस्तों, ये रहा बॉम्बू शूट, इसे बॉम्बू टेंगा भी कहते हैं, तो हमने इसे भी लंबे लंबे पीसेस में काट के रखा है। और ये रहा ग्रीन चिली। तो दोस्तों, ये पिकी पिला जो काफ़ी स्पाइसी डिश है, तो इसमें हम मिर्च का यूज़ ज़्यादा करेंगे अपने स्वाद अनुसार, तो हम इसे अभी छोटी छोटी पीसेस करके इसके बाद इसमें कूटेंगे। दोस्तों, अभी हम इसमें छोटी छोटी पीसेस करके डालेंगे, रफली से कूट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे रफली कूट लिया। तो दोस्तों, अभी हम इस आलू को भी बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, इसको सिर्फ हम चार बाकी करेंगे, क्योंकि हमें अभी इसे कुकर में डाल के सीटी लगाना है कम से कम 3 से 4। मुझे पोटैटो बहुत पसंद है दोस्तों, तो मैंने इसलिए पोटैटो का यूज़ किया है। मेरे ख्याल से मैंने आलू को ज़्यादा ही यूज़ कर लिया क्या, आलू को ज़्यादा ही ले लिया क्या। दोस्तों, ये मैंने काफ़ी समय से सूखा रखा। इसे बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं कुकर, 3 लीटर का कुकर है दोस्तों, तरीके का हम कुकर लेंगे। तो दोस्तों, हम इस तरीके से अपने पोटैटो और जो सूखे मीठे उसे हम धो लेंगे, इसके बाद हम कुकर में इसे डालेंगे। दोस्तों, अभी हम सबसे पहले इस मीट को इसमें डालेंगे, कुकर में डालेंगे। मीट और पोटैटो को हमने धो लिया था, इसमें एक्चुअली सूखा पोर्क मीट था, इसके बाद में सूखा मीट और चिकन के कुछ सूखा मीट का पीसेस मैंने इसमें ऐड किया है दोस्तों। और पोर्क का जो ज़्यादा पोर्शन मैंने फैट वाला पोर्शन यूज़ किया इसमें। इसके बाद अभी हम ऐड करेंगे बॉम्बू टिंगा, यानी बॉम्बू शूट। के बाद दोस्तों, मैं इसमें डाल रहा हूँ सोयाबीन, यानी न्यूट्रला से भी इसमें हम ऐड कर देंगे दोस्तों। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं इसमें नमक, जो स्वाद अनुसार, आपके स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कीजिए दोस्तों। एक्चुअली आप इसमें पोर्क के फैट को यूज किया है, तो तेल नहीं डालने से बचते, फिर भी मैं थोड़े से तेल का यूज करूंगा। इसके बाद मैं डालेंगे ग्रीन चिली, जो मैंने रफली कूट रखा था दोस्तों, इसे ऐड करेंगे। ग्रीन चिली शायद काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होने वाला, मैंने शायद ज़्यादा ही कूट लिया है। मेरे पास इस तरीके के भी बॉम्बू शूट है दोस्तों, मैं इसे भी यहाँ पे ऐड करूँगा अभी।
चम्मच, 3 चम्मच के करीब। और जो बम्बू शूट मैंने काटा था दोस्तों, ये रहा, इसके पीसेस मैंने काटे थे। तो दोस्तों ये इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे दोस्तों, इसके बाद इसे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे इसको, ताकि मीट अच्छी तरीके से पक जाए। 3 से 4 सीटी हम इसे लगा लेंगे ताकि हमारे जो मीट है वो अच्छी तरीके से पक जाए। इसे गैस में बिठाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम गैस चला लेते हैं। दोस्तों अभी हम इसे बैठा लेते हैं कुकर को। दोस्तों मैं एक साइड में अभी राइस बैठाता हूँ, और मैं राइस को मैंने धो लिया, और मैं राइस में हमेशा एक तेज पत्ता यूज करता हूँ ताकि खुशबू अच्छा है खाने का। और इसके बाद मैं इसमें ये अमूल बटर ऐड करता हूँ थोड़ा सा, मुझे काफ़ी पसंद है राइस के साथ में अमूल बटर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अमूल बटर को भी यूज़ करूँगा। ज़्यादा नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा लेंगे। और दोस्तों इसे भी बैठा लेते हैं। दोस्तों हमने पीकी पिला को गैस में चढ़ा रखा है, यानी बैठा रखा है, तो अभी हम करेंगे 3 से 4 सीटी का इंतज़ार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि होता है खार। एक्चुअली खार जो 2 किस्म का होता है, लिक्विड में, ड्राई में। तो मेरे पास ड्राई खार नहीं था, तो मेरे पास लिक्विड है, तो मैं उसे लिक्विड का ही यूज़ करूँगा, जो कि मैंने अपने सार से लिया था, थोड़े से मांग के लेके आया था। तो मैं भी पीकी पिला बनाने के लिए ट्राई करूँगा बोल करके, तो मिर्च जो है कम से कम 3 से 4 सीटी लगने के बाद उसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम खार ऐड करेंगे। और दोस्तों पिकी पिलावन बनाते वक्त खार और जो ये आपका पोर्क मीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोर्क और आपका खार नहीं होता है तो आपका पिकी पिला जो है अनकम्प्लीटेड होता है, जो टेस्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं बनता है। तो अभी हम सीटी लगने का इंतजार करते हैं दोस्तों। अभी सीटी नहीं लगा है, तो हम सीटी लगने का इंतजार करेंगे। कम से कम इस साइड में मैंने राइस बैठा रखा है, और यहाँ पे है पिकी पिला। अभी सीटी लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सीटी, लग चुका है, और 2 या 3 सीटी के लिए हम और वेट करेंगे। दोस्तों ये चौथा सीटी लग चुका है। तो दोस्तों अभी इसे हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे खार। और दोस्तों ये रहा खार, जो बोतल में डाल रखा है उन्होंने, बोतल में स्टोर कर रखा है। और मेन दोस्तों यही है खार, और इसे हम अभी थोड़ी ठंडी होने के बाद इसे ऐड करेंगे। गर्म में अगर आप इसे ऐड कर, सूप जो है पूरा बाहर आ जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए आपको ठंडी होने के बाद इसे ऐड करना है। तो दोस्तों पिकी पिला ठंडा हो चुका है, तो दोस्तों अभी हम इसमें करेंगे खार को ऐड करेंगे। तो चलिए किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने गैस को काफ़ी धीमी आंच पे रखा है, और अभी हम इसमें करेंगे खार को ऐड। इसे हल्के से डालना है दोस्तों। इसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफी सारा जाप निकलेगा दोस्तों। दोस्तों हो चुका है मेरा पिकी पिला रेडी, और
इसमें यहाँ पे मैंने अचार डाला है, यहाँ पे डोलू मिर्चा, होल मिर्च टाइप में होता है दोस्तों मिर्चा। उसके बाद ये रहा पीकी पिला और ये मेरा राइस। तो ये रहा मेरा प्लेट रेडी है दोस्तों। दोस्तों पीकी पिला कैसे बना है मैं आपको चेक के बताता हूँ। दोस्तों काफ़ी डिलीशियस बना है, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्पाइसी, तो मुझे बहुत बेहद पसंद है पीकी पिला। तो मुझे भी बनाना अभी ऑलमोस्ट सीख गया हूँ मैं भी बनाना। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा, काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी मज़ा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का मेरा फूड ब्लॉग दोस्तों यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह मैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दे इजाजत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।